स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको बताया, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ क्लासेस पहले कर ली हैं, है ना। तो काफी टाइम हो गया हमें इंडियन पॉलिटिक्स की क्लास लिए, तो मैंने सोचा आज राष्ट्रपति से हम दोबारा से जो इंडियन पॉलिटिक्स की क्लासेस है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना। इससे पहले हम पंचायती शासन के बारे में पढ़ चुके हैं, और इससे पहले हम हमारे यहाँ पर जो लोकसभा होती है और राज्यसभा है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद जो है, मतलब संसद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, यानी कि राज्यसभा से, लोकसभा से, और किससे मिलकर बनी, हमारे प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रेसिडेंट में से बहुत अधिक क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट का जो जिक्र है वो किसमें किया गया है, कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल में हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, कहाँ के ये प्रमुख होते हैं। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, राज्यसभा जिस तरीके से हमारा उच्च स्तर है, लोकसभा निम्न सदन है, है ना। तो पहले की क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो हमारी पहले वाली क्लासेस भी देख सकता है। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में। अभी हाल ही में हमारे नए राष्ट्रपति जो निर्वाचित किए गए हैं, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। इससे पहले कौन थे, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, परंतु आज द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंट का टॉपिक भी रहा है, इसलिए हमारा इसको पढ़ लेना क्या है, बहुत जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और वैसे भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है, सबसे पहले बात करते हैं भाग पांच की। संविधान में जिस तरीके से 22 भाग है, आप सभी को मैंने भाग के बारे में भी पढ़ा दिया है कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग है, 22 भाग है ना। और आर्टिकल पहले कितने थे, 395 थे, परंतु आज जो आर्टिकल्स हैं वो 400 से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 450 प्लस आर्टिकल इसमें लिखे जा चुके हैं, मतलब इनके सब पार्ट्स कर दिए गए, जैसे ए बी इसमें ऐड कर दिया गया है ना। और भाग कितने हमारे यहाँ पर, 22 हैं, ठीक है। तो उन 22 भाग में से जो राष्ट्रपति जी हैं उनका जो जिक्र है वो कौन से भाग में देखने को मिलता है, तो उनका जो जिक्र है वो हमें कौन से भाग में देखने को मिलेगा, भाग पांच में, ठीक है। भाग पांच जो है ये सबसे बड़ा भाग है, इसमें लगभग 100 आर्टिकल आते हैं आपके, कितने आर्टिकल है इसमें, लगभग 100 आर्टिकल आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था भाग चार में क्या था आपका, भाग चार जो है वो हमने 51 तक पढ़ लिया था, है ना, पढ़ा था ना भाग चार, और उसमें हमने एक सब पार्ट ऐड किया था जिसमें हमने राज्य के जो मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था, है ना। 51 तक तो क्या है इसमें, 51 तक तो इसमें वो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 51 ए में क्या आता है, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको ऐड किया गया है। जब हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई थी तो इंदिरा गांधी की सरकार ने अमेंडमेंट करके इसमें क्या ऐड करा दिया, हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड करा दिया, ठीक है। तो 51 तक हमारा भाग चार जो है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद में शुरू होता है हमारा भाग पांच। भाग पांच जो है ये कहां से कहां तक है, 51 पर ये खत्म होता है, और ये कहां से शुरू होगा, फिर आर्टिकल 52 पे शुरू होगा, और खत्म कहां तक होता है, ये 151 आर्टिकल है। टोटल 100 तक आर्टिकल जो है वो इसमें देखने को आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस किस के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पर किस किस की शक्तियां हैं, या फिर हमें भाग पांच में किस किस को पढ़ना है। जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का भाग पांच पढ़ लिया, उसने ऐसा समझो कि अगर उसको ये समझ में आ गया तो आधे से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, क्या आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद में यहाँ पर अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के साथ साथ कौन होता है, हमारे उपराष्ट्रपति जी भी होते हैं, है ना। तो इनके साथ साथ कौन बनते हैं, उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार से किसका जिक्र आता है इसमें, प्रधानमंत्री का, है ना। प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे कौन बनते हैं, उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं, है ना। वैसे तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बनाते हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्या बना दिया जाता है, उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जिस प्रकार से हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। क्योंकि हमें ऐसी नीड लगी, इसलिए हमने क्या किया, उप प्रधान, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या बना दिया, हमने उप प्रधानमंत्री की पोस्ट निकाल दी, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या आता है, जिस तरीके से अटोर्नी जनरल है, क्या है, अटोर्नी जनरल। अटोर्नी जनरल क्या होता है, एक विधि अधिकारी होता है, जो सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जो सरकार का एक तरीके का वकील लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या है, अटोर्नी जनरल। अगर अटोर्नी जनरल है तो क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी होगा, जिस तरीके से जो क्या करेगा, ऑडिट्स वगैरह करेगा, जो सरकार के
मतलब जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर जो मतलब डाटा है वो बनाता है। तो ये क्या है, कैग बीसी में आता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, क्या आते हैं एमपी आते हैं, क्या आते हैं एमपी, है ना। जो एमपी होते हैं वो क्या आएंगे, वो बीसी में आएंगे, क्योंकि एमपी से ही क्या बनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको भाग पांच समझ में नहीं आया है तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको भाग छह भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमारा भाग पांच जो होता है उसमें पहले क्या है, राष्ट्रपति है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होता है ना, उपराज्यपाल, राज्यपाल। देश में क्या होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार हमारे देश में प्रधानमंत्री है तो स्टेट में क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। कहीं कहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, अटोर्नी जनरल है, वहां पर अलग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एमपी बनते हैं तो वहां क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट है तो हमारे राज्यों में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है ना। तो अगर आपको ये सभी समझ में आ जाएगा तो आपको वो भाग छह जो है वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो किसके बारे में बताता है, राज्यों के बारे में बताता है। इनकी पावर और उनकी पावर लगभग सेम होती है, क्योंकि ये देश के लिए काम करते हैं और वो राज्यों के लिए काम करते हैं। जो काम ये देश के लिए करते हैं वो किसके लिए करेंगे, राज्यों के लिए करेंगे। तो कुछ कुछ पावर्स होती है वो क्या करती है, इनकी मैच होती है आपस में, इसीलिए हमारा इनके बारे में पढ़ लेना जरूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, राष्ट्रपति के बारे में। एमपी यहाँ पर हम संसद में लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ बैठते हैं, संसद में ही बैठते हैं। संसद के बारे में मतलब राज्यसभा लोकसभा के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर तो 100 आर्टिकल है, पर क्या राष्ट्रपति जी भी पूरे 100 आर्टिकल जो है क्या वो राष्ट्रपति के है? इन सभी के जो आर्टिकल है वो 100 आर्टिकल है, ठीक है। पर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। हम इसको डिवाइड करके पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट तो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति है इनकी पावर्स पढ़ना, इनका प्रोसेस पढ़ना, इमरजेंसी पढ़ना, ये सभी एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना, ठीक है। पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिख दी है जिसके थ्रू आपको इसको याद करने में क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। वैसे तो हम इनके आर्टिकल जो है वो भूल जाते हैं, मैं भी इसके आर्टिकल्स भूल जाती हूँ, पर मैंने इसको ट्रिक के साथ में याद किया हुआ है। ये जो ट्रिक है इसके थ्रू क्या हो जाएगा, मतलब हम इसको थोड़ा इजी वे में याद कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है पकानी कोका दुयो दशम, ये क्या है इसकी ट्रिक है। आप इसको चार पांच बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले पकानी, फिर कोका, फिर दुयो, फिर क्या है दशम। पकानी कोका दुयो दशम, क्या है पकानी कोका दुयो दशम। और यहाँ पर मैंने लिखा है जो आर्टिकल है राष्ट्रपति के वो 52 से किस में आते हैं, 61 में आते हैं ना। तो इतने आर्टिकल किसके, हमारे राष्ट्रपति जी के हैं। प जो प है वो क्या है, 52 आर्टिकल है। कैसे क्या है, 53। नी में क्या आता है, 54, ठीक है। को से क्या आएगा, 55। फिर का से 56। फिर यहाँ पे दू में क्या है, 57 है। यो में 58 है। फिर यहाँ पर 59, 60 और 61। तो ये कंप्लीट आर्टिकल्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61। पकानी कोका दुयो दशम, तो आप इसको बार बार ही पढ़ेंगे तो आपको याद होगा ये पकानी कोका दुयो दशम, 52 से 61 तक। तो इनके ऊपर क्या करेंगे, आप इनके आर्टिकल्स भी लिख देंगे, ठीक है। पै, अब इसमें हर अक्षर का क्या है, कोई ना कोई मीनिंग है, तो आपको ये याद रखना है। इनकी जो मतलब इनकी जो डिजिट्स है, इनकी जो अक्षर है, उनको आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो पै, पै से क्या है, पद है। क्या है, पद, यानी कि राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में क्या होगा, एक पद होगा, राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कार्यपालिका है। क्या है, इसके बाद में कार्यपालिका, ठीक है। इसके बाद नी, नी से आपको पता लग रहा होगा कि नी से क्या है, यहाँ पर निर्वाचन है। क्या है, नी से निर्वाचन। इसके बाद में को से क्या है, इसका कोटा है। क्या है, को से कोटा। इसके बाद है का से क्या है, आज बताया गया है कि ये 5 साल के लिए बनेंगे, है ना। तो इन सबके बारे में इस आर्टिकल्स में लिखा गया है। इसके बाद है दू से है दोबारा निर्वाचन, ठीक है। अगर कोई कंडीशन हो जाती है
जिसकी वजह से मतलब जिस तरीके से कोई राष्ट्रपति है उसको दोबारा इलेक्ट करना है, ऐसा तो हमारे देश में नहीं है ना कि अगर कोई राष्ट्रपति एक बार बना है तो दोबारा नहीं बन सकता, ऐसा कोई नहीं है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर पहले भी बहुत सारे राष्ट्रपति जो है जिन्होंने दो दो साल तक कार्यकाल किया है, तो इस प्रकार ये क्या आता है, इसमें दोबारा निर्वाचन आता है। यो से इनकी योग्यता आएगी, इसमें बताया जाएगा कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी या इनकी योग्यता क्या होगी, इनका एक्सपीरियंस क्या होगा, इनकी एज क्या होगी। इसके बाद है द, ठीक है, फिर है श और म। श से है शपथ, क्या है श से शपथ, और म से आता है महाअभियोग। आर्टिकल 61 किसके बारे में बताता है, महाअभियोग के बारे में, ठीक है। और द से क्या आएगी, दशा, यानी कि इनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, ठीक है, कंडीशंस जिस तरीके से जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब मेंटली स्टेबल हो, फिजिकल स्टेबल हो, तो उन सबके बारे में इसमें बताया गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 के बारे में, जो आर्टिकल 52 है वो क्या बताता है, हमारे यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति जी का पद होगा। अब ये सवाल आता है कि जिस प्रकार से हमारा जो संविधान है, आप सभी को पता है हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना, तो और उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो किसी ना किसी देश के संविधान को उठाकर लिखी गई हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी का पद है वो भी कहीं ना कहीं से लिया गया है। हमारे यहाँ पर पहले अंग्रेजों का बोलबाला था और हम किसकी पद्धति को ज्यादा फॉलो करते हैं, ब्रिटेन को फॉलो करते हैं, तो उसी के आधार पर जिस प्रकार से वहां पर क्या है, महारानी एलिजाबेथ है ना, आज कल ही उनका जो निधन हो गया महारानी एलिजाबेथ का, तो अब उन्होंने कम से कम 90 साल से ज्यादा तक क्या किया, वहां शासन किया, सबसे अधिक लंबे कार्यकाल की महारानी रही है। जिस तरीके से वहां पर महारानी होती है, औपचारिक होती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या है, पद है किसका, राष्ट्रपति का। तो वैसे तो हमारे यहाँ पर पावर्स किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन जो पद है वो हमने कहाँ से लिया, ये ब्रिटेन से लिया। तो हमारा जो संविधान है वो सबसे अधिक किससे प्रभावित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हीं लोगों ने हम पर क्या किया था, शासन किया था, तो हमने बहुत सारी चीजें उनसे क्या की है, अडॉप्ट की है या सीखी है, तो उसी आधार पर हमने जो राष्ट्रपति जी का पद है वो कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। याद रखना अमेरिका से नहीं लिया है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है और जो इंडिया के राष्ट्रपति है उनमें दिन रात का अंतर है, क्योंकि उनके पास जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना उनके पास पूरी पावर्स है, और हमारे इंडिया के राष्ट्रपति के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो शक्तियां अमेरिका की उनके राष्ट्रपति के पास में है। हमारे यहाँ किसके हाथ में है शक्तियां, प्रधानमंत्री के हाथ में है, ठीक है। तो ये जो पद है ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर हमने राष्ट्रपति का जो पद है वो किसमें ऐड किया, हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में, ठीक है। इसको आप ट्रिक के साथ याद रखेंगे, पकानी कोका दुयोदशम। इसके बाद में है का से क्या आएगा, कार्यपालिका। तो अब ये कार्यपालिका के क्या होंगे, प्रमुख होंगे, परंतु प्रमुख भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्रमुख, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो कैसा प्रमुख होता है, औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक, ठीक है। ऑफिशियल, ऑफिशियल कौन है, हमारे प्रधानमंत्री है, जिनके हाथ में क्या है, सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ना। परंतु जो अनौपचारिक, जिस तरीके से फॉर्मेलिटी कह लीजिए, फॉर्मेलिटी की पावर, जिस प्रकार से कोई कागज साइन कराना है या कोई भी डिसीजन है, बस आप उस पर क्या कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, सभी डिसीजंस ले लिए गए हैं, बस राष्ट्रपति को क्या करना है, उस पर सिग्नेचर करना है। वो क्या है, हमारे देश के बस अनौपचारिक प्रमुख है, यानी कि फॉर्मेलिटी के लिए कह सकते हैं उन्हें। तो वो प्रमुख कौन होंगे, हमारे राष्ट्रपति होंगे। तो कार्यपालिका के जो औपचारिक नहीं अनौपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, वो है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। परंतु औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पर पद हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। एन से क्या आता है, निर्वाचन, क्या आता है, एन से निर्वाचन। अब निर्वाचन जो है ना, ये इसमें बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं, ये इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है कि मतलब इसको समझना ही हमारे पूरे सिर से ऊपर जाता है। इसका जो इलेक्शन होता है, अगर अब जो इलेक्शन हुए थे किसके, राष्ट्रपति जी के, है ना, तो ये अलग अलग फेजेस में होते हैं। जैसे एक चरण में, अगर एक चरण में कोई नहीं जीता तो दूसरे चरण में कराए जाएंगे, दूसरे चरण में नहीं जीता तो तीसरे चरण में। तो ये जो चरण होते हैं ना, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, या कितने लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या होती है यहाँ पर, निर्वाचन की जो हमारे निर्वाचन की पद्धति है वो अलग अलग फेजेस में होती है। तो इस प्रकार फेज होते हैं,
परंतु जो हमारे यहाँ पर अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था वो पहले चरण में कंप्लीट हो गया था, उसके लिए दूसरे चरण की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो ही कैंडिडेट थे, है ना, एक तो बीजेपी ने खड़ा किया था और एक कांग्रेस के द्वारा खड़े किए गए थे, है ना। और अब हमारे राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है, 52 और 53 के बारे में कल की क्लास जो रहेगी उसमें मैं आपको पूरा निर्वाचन पद्धति के बारे में बता दूंगी, क्योंकि एक ही क्लास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे ताकि आपको ये आसानी से क्या हो जाए, समझ में भी आ जाए, क्योंकि सभी चीजें एक साथ पढ़ लेंगे तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कल की क्लास हमारी निर्वाचन पद्धति के बारे में, आगे के जो आर्टिकल्स रह गए हैं उसके कुछ आर्टिकल्स मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगी, बाकी आगे की क्लासेस में कवर करा दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 52 में क्या था, पद था, कैसे यहाँ पर क्या था, कार्यपालिका, न से निर्वाचन, को से कोटा, का से क्या था कार्यकाल, दू से क्या था दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, फिर द से दशा यानी कि कंडीशंस क्या क्या होंगी, श से शपथ थी, और ये मैं से क्या था महाभियोग था। ठीक है, मैंने आपको शपथ का टॉपिक भी पढ़ाया था जब हमारे यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाई थी आपको, अलग अलग जो अनुसूचियां हैं वो पढ़ाई थी, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया था, मैंने आपको बताया था कि तीन लोगों की शपथ उसमें नहीं होती है, उसमें से हमारे राष्ट्रपति जी भी थे, है ना, तो मैंने वहां पर आर्टिकल लिखकर भी बताया था, तो उसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है अगर आपको देखनी है, तो उसी प्रकार से मैंने राष्ट्रपति जी की शपथ है वो इनके आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, अनुसूचियों में इनकी शपथ नहीं है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और कौन से आर्टिकल में इनकी शपथ, 60 में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे राष्ट्रपति जी के अगले आर्टिकल्स के बारे में, 52 to 61 हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, फिर बाद में एक बार इसकी रिविजन भी कर लेंगे, इनकी पावर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।